थैंक यू। नहीं, मैं मुझे मालूम है कि मैं कोलकाता का अडॉप्टेड सन हूँ, तो थोड़ी थोड़ी मैं एडवांटेज ले सकता हूँ। मेरा हमारा एक्चुअली, मैं आनंद सर भी एक्चुअली इसलिए यहाँ पर है क्योंकि हमें ऐसा लगा हम फिल्म फेस्टिवल का मैं हिस्सा हूँ, और ऑब्वियसली सारी दुनिया से, मैंने अभी मालूम किया कितना 170 कंट्रीज से पार्टिसिपेंट्स हैं, 170 फिल्म्स दिखाई जा रही, बट मैं हमेशा आता हूँ, लेकिन मैं कुछ फिल्मिक नहीं कर सकता। इस बार मेरे पास फिल्म थी तो दिल में ये था कि हम कुछ और नई चीज़ यहाँ ला के दिखाएँ और आशीर्वाद लें सबका, क्योंकि इतने स्टॉलवर्ड्स हैं वहाँ पे, मतलब इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट कोलकाता के और हर स्फीयर से, म्यूजिकली भी एंड फिर हमारे लोग हैं वहाँ पे, तो हमने कोशिश बहुत की लेकिन वो विजुअल इफेक्ट्स की वजह से हम तैयार नहीं कर सके। तो फिर मैंने दीदी को बोल दिया था मैं कुछ दिखाऊंगा, तो मैंने कहा मैं अभी एक ट्रेलर तो दिखाई दूँ, और एक अपनापन सा फील होता है यार, तो आई एम हैप्पी आई कुड डू इट। और इतनी बड़ी स्क्रीन, आई थिंक दीदी राइट कह रही हैं, दुनिया में नहीं है गई इतने सारे लोग बैठ के, मैं पिछले 4-5 साल से नोटिस कर रहा हूँ, मैंने आनंद सर को बताया भी नहीं था कितनी बड़ी स्क्रीन है, सो वो एक उसका फीलिंग अलग आता है, सो ड्राइव इन थिएटर में आ गए हैं। Thank you. And my I'm Formula from my own platform Formula from House. I'd like to ask you, you have an illustrious career and you have started from zero actually. So what is more challenging, starting from zero or ending up in a zero for a superstar? I think Sharmila, if you always believe that everything that you do is going to begin from beginning. Anand sir ki ek line hai film, shuru se shuru karte. Everything that you do has to start from the beginning. If you believe that you've already reached the halfway mark and have complete karna hai, I think you'll always fall short of quality and you'll fall short of an emotional content. So I always believe that whenever, whether in life or in films, whenever I'm going to start a, jaise hum Urdu mein bolte hain naya pehlu, jab bhi shuru karte hain, तो आई थिंक वो शुरू से ही शुरू करना चाहिए। सो आई थिंक इट्स मोर इम्पॉर्टेंट टू ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो, एंड इफ यू ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो आई बिलीव यू विल नेवर एंड अप एट जीरो। ओके, हु इज मोर अट्रैक्टिव, अनुष्का एंड बिटवीन अनुष्का एंड कैटरीना, व्हेन यू सी फ्रॉम द लेवल जीरो हु इज मोर अट्रैक्टिव, आई मीन हु अट्रैक्ट्स यू मोर। मुझे तो दोनों ही अच्छी लगती है। मेरा ना क्या दिल इतना बड़ा है उसमें सब समा सकते हैं, तो मुझे दोनों पे बहुत प्यार आता है। ऐसा मैं चूज भी नहीं कर सकता, नॉट बिकॉज मैं डिप्लोमेटिक होना चाह रहा हूँ, बट जेन्युइनली मुझे दोनों पे बहुत प्यार आता है, इक्वल अमाउंट ऑफ प्यार आता है। आई थिंक जीरो का थॉट आनंद सर का बहुत अच्छा है, जिस वजह से फिल्म का नाम जीरो है, आई थिंक कंप्लीट है, एक यहाँ से शुरुआत होती है और जिंदगी ऐसे ही होती है, हम धूल से पैदा होते हैं और धूल बन जाते हैं, या जिस हिसाब से भी सोचो, सो जीरो इज अ कंप्लीट फिगर, नो नंबर इज कंप्लीट। नंबर वन वापस नहीं जाता, नंबर टू जो है वहीं घूम जाता है, आठ घूमता ही रहता है, जीरो बिकम्स लाइक अ कंप्लीट बिगनिंग टू एंड। सो आई थिंक कहीं ना कहीं ना इन्फिनिटी जो है और जीरो, इफ यू वांट टू टच इन्फिनिटी यू मस्ट नो जीरो, ये दोनों सेम है। वो मैंने बहुत अच्छी कहीं से बात पढ़ी थी कि गॉड इज अ टेंजेंशियल पॉइंट बिटवीन इन्फिनिटी एंड जीरो, तो जीरो उतना ही बड़ा है जितना इन्फिनिटी।